हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वेडिंग का लहंगा एंड साथ ही साथ एक मेकअप लुक क्रिएशन, जो कि मैंने प्रेरणा शर्मा, जो कि कसौटी जिंदगी में जो वेडिंग लुक था उनका, उसे थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश की है। ऐसे तो वो बहुत ही खूबसूरत है और मेरी फेस कटिंग और उनकी फेस कटिंग बहुत ही डिफरेंट है, फिर भी जस्ट उनका वेडिंग लहंगा जो है वो थोड़ा थोड़ा मेरे से सिमिलर है। कलर डिफरेंट है बट थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी थी, इसलिए मैंने इस लुक को क्रिएट करने का सोचा है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और मेरे वेडिंग लहंगा की खास बात यह है कि इसकी जो आप दुपट्टा देख रहे हो, ये मैंने खुद से बनाई है अपने हाथों से। सारी चीज़ें अलग अलग से परचेस करके मैंने बनाई है। इस लहंगा का दुपट्टा रेड कलर का था बट मुझे चाहिए थी इस कलर में, इसलिए मैंने इसे खुद बनाया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो को दिखाती हूँ मैंने कैसे इस लुक को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है फेशियल ऑयल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये वाली फेशियल ऑयल मेरी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट वाली है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र, जो कि इनिसफ्री की ग्रीन टी सीड सीरम, मेरी ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, आपको ज़रूर से ज़रूर इस विंटर ट्राई करनी चाहिए। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, जो कि है लैक्मे की ब्लर परफेक्ट प्राइमर। या आपके फेस पे यदि कुछ दाग धब्बे हैं तो उसे भी ब्लर कर देता है, साथ ही बहुत ही अच्छा सा पिंकिश सा ग्लो दे देता है आपके फेस पे। तो प्राइमर तो आपको डेफिनेटली यदि आप मेकअप कर रहे हो तो आपको इस्तेमाल करनी ही चाहिए, इससे आपकी जो मेकअप बेस है वो बहुत ही अच्छी बनती है। एंड उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर स्विस ब्यूटी की इल्यूमिनेटर, जो कि पर्ल शेड में है, और इसे लगाते ही आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो ये वाली इल्यूमिनेटर जो है बहुत ही कम प्राइस में मिलती है, आपको लाइक 250 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगी आफ्टर डिस्काउंट। एंड इसे यदि आप अपने फाउंडेशन से पहले अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सा ग्लो मिल जाता है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, क्योंकि थोड़ी अंडर आइज़ वगैरह को हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी होता है मेकअप करने के टाइम, यदि आप किसी अच्छे ओकेज़न के लिए मेकअप कर रहे हो तो, और ये तो एक ब्राइडल मेकअप है, तो यहाँ पर मैं कंसीलर इस्तेमाल करूँगी। सारे की लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। मेरे सारे अपने सेट्स दिए हुए हैं, जो भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं सेट्स, वही सेट्स मैंने दिए हुए हैं। तो जहाँ भी डार्क सेड्स डार्क है मेरी स्किन पे, वहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी कंसीलर और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन जो भी मैंने सेड इस्तेमाल किए हैं सारे की लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने यहाँ पे थोड़ी येलो अंडरटोन वाली सेड को चूज़ किया था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है येलो अंडरटोन ब्राइडल मेकअप में खास करके, और इसे भी मैं एक डायमंड कट वाली स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको 150 के आसपास ये मिलेगी और बहुत ही अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देती है आपके फाउंडेशन को, और इनर कॉर्नर तक आपके जो आईज के इनर कॉर्नर है वगैरह सब तरफ ये चली जाती है, क्योंकि ये डायमंड शेप में है। तो आपको जरूर से जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए यदि आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है या आप ये लेने का सोच रहे हो तो। एंड उसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगी कॉम्पैक्ट, जो कि है कलर बार की कॉम्पैक्ट, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही लाइट वेट है आपके स्किन पर, तो ये काफ़ी अच्छे से आपके मेकअप को सेटल कर देती है, तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो मैंने सेट लिया है वो आई थिंक 01 है, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इससे अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लो। एंड उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी वेटन वाइल्ड की आईब्रो किट, और ये मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, आपने आज तक मेरे हर वीडियो में देख लिया होगा, क्योंकि ये वाली आईब्रो किट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये अब ख़त्म भी होने वाली है, तो मैं देख रही हूँ अभी कौन सा लेने का है, तो ये वाली किट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अभी 2 ईयर्स होने वाले हैं इसे यूज़ करते करते, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं अभी यूज़ कर रही हूँ प्लाडियो की बैक्ड आई शेडो, और इसमें आपको 3 सेट्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें प्रेरणा की जो वेडिंग लुक थी उसमें बहुत ही लाइट आई शेडो थी गोल्डन कलर की, तो इसलिए मैं यहाँ पर हल्की सी गोल्डन कलर की आई शेडो सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ही लाइट मेकअप था उनका, इसलिए मैं बहुत ही हल्के हल्के गोल्डन कलर की आई शेडो को इस्तेमाल करूँगी। एंड आई शेडो के साथ साथ मैंने जितने भी मेकअप ब्रशेस यूज़ किए हैं, जो कि पैक के हैं एंड फोक्यूलर के हैं, सारे की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं सारे की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो ब्राइड बनने वाली होगी और उनके लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होगी, क्योंकि सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छी है, हाई रेटिंग वाली है, क्वालिटी अमेजिंग है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कलर बार की आई लाइनर, नहीं आई पेंसिल है ये, मतलब पेन की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी है। साथ ही जो बॉन्जर पेरिस की आती है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की आई लेसेस, और ये बहुत ही नेचुरल लगती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसे मैं अपने आई लेस कलर से कर्ल कर लूँगी। एंड अब मैं अप्लाई करूँगी मस्करा, तो यहाँ पर मैं जो मस्करा यूज़ कर रही हूँ वो है लैक्मे की मस्करा,
काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो ब्रश है ना वो जिस तरह से एंगल में जिस तरह से घुमी हुई है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है हमें अप्लाई करने के लिए। तो ये वाली मस्करा मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। इसमें दो सेट्स आते हैं, मेरे पास जो है वो ब्लैक सेट में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्लू मस्करा मुझे लगानी चाहिए। एंड अब मैं इस्तेमाल करूँगी सुगर की कंटोर पैलेट, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपके फेस को एक अच्छा 3D इफेक्ट दे देती है, और मेरी चिक्स तो ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा चबी है, तो मुझे तो इसकी ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है। चाहे मैं ऐसे YouTube के लिए वीडियो बनाऊँ या फिर रेगुलर लाइफ में मेकअप करूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यदि आपकी भी फेस थोड़ी सी चबी है तो आप इस तरह की कंटूर पैलेट ले सकते हो, और इसकी जो शेड है वो मेरे फेस के लिए बहुत ही परफेक्ट है, ना ही डार्क है ना ही लाइट है, तो मुझे इसे इस्तेमाल करना बहुत ही पसंद है। एंड साथ ही इस ब्रश की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ब्लश एंड हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की हॉट स्पाइस पैलेट। इसमें से मैं जो सबसे लाइट कलर की ब्लश है उसे इस्तेमाल करूँगी। एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। इसमें आपको ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों ही मिल जाते हैं, और ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से है और ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसमें आपको 4 टाइप के मिल जाएंगे, ब्लश के सेट, कंटोर सेट मिल जाएंगे, साथ ही हाइलाइटर भी मिल जाएगी। तो इसे इस्तेमाल करने के बाद अब फाइनल बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYBIC की लिक्विड लिपस्टिक। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अफोर्डेबल है, एंड ये रस्टी ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है जो कि मेरे लहंगे से बिल्कुल मैच कर रही है। तो बस यही है, अब देखिए आप मेरे फाइनल लुक। Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain.